बिलाल रज़ी अल्लाह तु अल्लाह के नबी सल वसम के साथ हर मौके पर जहाँ भी अल्लाह के नबी जाते हैं हज़रत बिलाल भी अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ साथ जाते हैं अल्लाह के नबी सल वसम जब दावत व तबलीग का काम करते थे तो आप ये चाहते थे कि कुफ़ार मक् में जो बड़े बड़े सरदार हैं उनके जो चौधरी हैं उनको आप तरजीह दें उनको प्राथमिकता दें उनको पहले रखें एक मरतबा अल्लाह के नबी सल व्लम के पास हजरत बिलाल हज़रत सहैब हजरत खब्बाब और दीगर साहब कर मौजूद थे इतने में अबू लहब और दीगर जो रसाए कुरैश थे जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे ये लोग आ गए और इन लोगों ने कहा कि अय मोहम्मद पहले इन कमज़ोर और मजलूम लोगों को यहाँ से हटाओ इन गिरे पड़े लोगों को यहाँ से हटाओ तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद में कि अगर ये लोग ईमान ले आए तो इस्लाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा और इनका ईमान लाना हमारे लिए ज़्यादा अहम है ये लोग तो पहले ही ईमान ला चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबे के राम से वहाँ से चले जाने को कहा और फिर बैठ कर इनको इस्लाम की तबलीग करने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम का ये अंदाज भी अल्लाह तबारक तआला को पसंद नहीं आया और अल्लाह ने अपने नबी को एक बड़े प्यार के अंदाज में अपने नबी को डांट पिलाई और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया विली दूना वजहा नबी आप उन लोगों को दूर मत कीजिए उन लोगों को धुतकारिए मत उन लोगों को भगाइए मत जो अपने रब को याद करते हैं सुबह शाम और मकसद क्या है यूरी दून वजह वो अपने रब की रज़ामंदी तलब करते हैं अपने रब को खुश करना चाहते हैं नाजरीन कराम कुरान करीम की इस आयत ने जहाँ अल्लाह के नबी वसल्लम को एक पैगाम दिया वहीं हज़रत बिलल हजरत सहैब और दीगर साहब कराम का मकाम और मरतबा बयान किया कुरान करीम कीसायत ने और उनके बारे में अल्लाह तबारक ते उनकी फजीलत बताई कि वो लोग सुबह शाम अल्लाह तबारक वाल को याद करते हैं